प्यारे बच्चों, जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आपके प्लस वन पहले भाग के चौथे चैप्टर से तीसरा टॉपिक है, तो 4.3 बच्चों इसका नंबर रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज, अर्थात आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखला के प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों है, हम समझेंगे जो आवृत्ति वितरण या अखंडित श्रृंखलाएं होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। पिछले कल हमने क्या समझा था, व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है और अखंडित श्रृंखला के विषय में हमने समझा था। आज हम समझ रहे हैं क्या कि जो अखंडित श्रृंखला हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो कितनी तरह की है और वो की है क्या, इसके विषय में है। तो हमारा टॉपिक है, तो ये हमारी बच्चों होती है अखंडित श्रृंखलाएं पांच प्रकार की। सबसे पहली नंबर वन एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला, पहली होगी हमारी एक्सक्लूसिव। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंक्लूसिव सीरीज, जिसको हम कहते हैं समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। तीसरी हमारी होती है ओपन एंड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रृंखला, जिसको हम क्या बोलते हैं, विवर्तमुखी श्रृंखला। चौथी हमारी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, संचय आवृत्ति श्रृंखला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसको आपने मेन फोकस हम इस पे करेंगे। और पांचवी और अंतिम कौन सी है इसमें, हमारी पांचवी है मिड वैल्यू सीरीज, जिसको हम बोलते हैं मध्यम मूल्य वाली आवृत्ति वितरण श्रृंखला। तो ये पांच श्रृंखलाएं बच्चों जिसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि दो के विषय में पढ़ लें, बाकी तीन को हम कल के परसों के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले, इससे पहले के थोड़ा कंटिन्यू सीरीज के विषय में मैं बच्चों कुछ बताऊं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें समझनी जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंटिन्यू सीरीज, अर्थात इस अखंडित श्रृंखला में कौन कौन से महत्वपूर्ण टर्म्स आने वाले हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले क्या इसमें हम समझते हैं, क्लास। क्लास होता है वर्ग। बच्चों तुमने क्लास आज से पहले कभी वर्ग को, क्लास को वर्ग बोलते हैं, क्लास को तुमने क्या सुना होगा कि कक्षा ही बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र यही है ऐसे जो इसको क्लास को वर्ग पढ़ते हैं। तो इस क्लास को कक्षा ना पढ़ के वही स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन हमारा अर्थ अलग है, अर्थ है वर्ग से। इस क्लास को हम क्या बोलते हैं, है क्या ये क्लास, क्या है ये, अरेंज ऑफ वैल्यूज विच कॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड अ क्लास। मतलब क्या, संख्याओं के मूल्य होते हैं, एक वर्ग है इसका, ये अर्थात 0 से 10, मैंने बोल दिया मार्क्स 0 से 10, मतलब अब ये 0 और 10 इसके बीच की जो आ गई इसको हम बोलेंगे वर्ग, क्लास। क्लास है सर, आवाज ही नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज, विशाल आवाज आ रही है सर, कट कट के आ रही है। संख्याओं के किसी निश्चित समूह को शामिल होती है वर्ग कहते हैं, मतलब एक समूह है संख्याओं का, ग्रुप, जैसे 0 से 10 का ग्रुप बना दिया मैंने, 0 से 50 का बना दिया, किसने बोल दिया 0 से 100, किसने बोल दिया 100 से 200, तो वो एक क्लास कहलाती है वर्ग, जिसमें किसी सीमाओं में वो बंध जाता है, एक निचली सीमा होगी एक ऊपरी सीमा होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। दूसरी इसमें टर्म हम क्या समझते हैं, दूसरी हमारी आती है इसमें वर्ग सीमाएं। अब ये क्लास लिमिट वर्ग सीमाएं क्या होती है, द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर लिमिट्स, मतलब वर्ग सीमाएं क्या उनसे बोलते हैं, ये तो हो गया हमारा वर्ग क्लास, तो इसकी जो सीमाएं होगी बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन क्या है, जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, निचली सीमा या इसकी निम्न सीमा, दो नाम है इसके लोअर लिमिट के, निचली सीमा या निम्न सीमा, एक होती है अपर लिमिट ऊपरी सीमा, अर्थात मैंने बना दिया 0 से 20, तो इसमें ये निचली सीमा हो गई 0, ये 20 ऊपरी सीमा हो गई, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मैंने बना दिया 20 से 40, तो ये 20 हमारी लोअर लिमिट और ये 40 अपर लिमिट, मतलब निम्न सीमा या निचली सीमा, ये 40 ऊपरी सीमा या अपर लिमिट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। बच्चों क्लास लिमिट समझ में आया कुसुम, किसको बोलते हैं क्लास लिमिट, Yes, sir. जिसकी एक निचली सीमा होगी एक ऊपरी सीमा होगी, ठीक है, लिमिट्स, लोअर लिमिट्स उसको हम बोलते हैं निचली सीमा या निम्न सीमा, दूसरी होती है अपर लिमिट जिसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा या अपर लिमिट, ठीक है बेटा। इसको हम लिखते हैं लोअर लिमिट को L1, ध्यान रखें,
और अपर लिमिट को हम लिखते हैं L2, ऊपरी सीमा। तो ये हमारी L1 है लोअर लिमिट और ये L2 है अपर लिमिट। ठीक है बेटा, अब समझते हैं इसमें तीसरी धारणा, तीसरी चीज क्या समझते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार किसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम आई से। वर्ग विस्तार किसे लिखा जाता है, आई से। व्हाट इज आई, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। इंटरवल क्या होता है आई, आई इक्वल टू एल टू माइनस एल वन। अब एल टू मैंने क्या बताया था, एल टू किसको बोलते हैं विशाल, आई होता है वर्ग विस्तार और इसका सूत्र क्या है, एल टू माइनस एल वन। अब ये एल टू क्या होता है हमारा, ऊपरी सीमा अपर लिमिट, और ये L1 क्या होता है, निचली सीमा लोअर लिमिट। जैसे मैंने 20 से 40 का वर्ग बनाया ना यहाँ पे, ये है 20 से 40, तो ये 20 होगा हमारा L1 और ये 40 होगा हमारा L2, L2 अर्थात, तो I क्या होगा, L2 माइनस L1 अर्थात 40 माइनस 20 बराबर है 20। तो ये वर्ग विस्तार है कि वर्ग कितना बड़ा है, कितना चौड़ा वर्ग है। ठीक है, जैसे बेटा जरूरी नहीं है कि जी कहो जीरो से दस का वर्ग है, तो इसके वर्ग विस्तार कितना हुआ, एल टू माइनस एल वन मतलब दस माइनस शून्य बराबर है दस। ठीक है बेटा, एल टू माइनस एल वन, अगर जीरो से पांच का वर्ग है तो पांच माइनस जीरो बराबर है पांच। तो वर्ग विस्तार ये है। श्रुति को आया समझ में? यस सर। ओके बेटा, तो इसमें लास्ट जो हम समझेंगे अभी कॉन्टिन्यू सीरीज की धारणा, वो क्या है, मध्यम मूल्य। तो मध्यम मूल्य वैसे तो आपको पता ही होगा बच्चों, अगर मैंने बता दिया कि 0 से 20 का वर्ग है और 20 से 40 का वर्ग है, अब इसमें मध्यम मूल्य निकालो, तो कोई भी दूसरी का बच्चा भी बोल देगा 0 से 20 का वर्ग मध्यम मूल्य 10 है, 20 से 30 है, कोई भी बता देगा। लेकिन हम निकालते हैं इसको सूत्र से, फॉर्मूला क्या है इसका, मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ओवर 2। व्हाट इज एमवी, मतलब मध्यम मूल्य क्या है, अपर लिमिट ठीक है प्लस लोअर लिमिट ओवर 2। अपर लिमिट यहां पे क्या है, मतलब L2 प्लस L1 ओवर 2, मतलब ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, तो वो हमारा निकलेगा मध्यम मूल्य। जैसे बेटा उदाहरण के लिए हमने यहां पे निकालना है किसका मध्यम मूल्य, जैसे 20 से 40 का मध्यम मूल्य। ठीक है, हमें बोला गया मिड वैल्यू निकालो, तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, हमारा क्या है दोनों का L2 क्या है 40 प्लस क्या करेंगे L1 मतलब 20 बटे 2, तो ये क्या हुआ 40 और 20 60 बटे 2 अर्थात 30, तो मध्य मूल्य निकला 30। तो इस तरह से निकलता है मिड वैल्यू। अब बच्चों ये चार चीजें हमने समझी, क्लास वर्ग किसको बोलते हैं, क्लास लिमिट, वर्ग सीमा किसको कहते हैं, तीसरा हमने समझा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार, और चौथा मिड वैल्यू अर्थात मध्य मूल्य। अब बच्चों किसको समझ में नहीं आया ये, ठीक है बेटा पल्विका आवाज आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? यस सर। सर आ रही है। ओके बेटा, ओके बेटा, तो ये हमने चार चीजें समझी, वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग सीमाएं क्या है, वर्ग विस्तार क्या है और मध्यम मूल्य क्या है। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं क्या, पहली श्रृंखला पे आ जाते हैं। आज हम दो कोशिश करेंगे कि दोनों को कवर कर लें। तो पहली इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्जी या सम्मिलित श्रृंखला। पहले समझते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन, परिभाषा इसकी क्या बोलती है। एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। इसको ध्यान से समझो, क्या है ये, अपरजी या असमिलित श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक वर्ग विस्तार में उसकी ऊपरी सीमा से संबंधित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब बच्चों इसमें ध्यान दो, आप क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सीरीज है क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला, वो श्रृंखला जिसमें जो उसकी ऊपरी सीमा होगी ना वर्ग की, जैसे जीरो से दस, मतलब जैसे मैंने यहां पे बता दिया जीरो से दस, दस से बीस, तो इसकी जो ऊपरी सीमा होगी वो उसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि किसमें शामिल होगी, दूसरे वर्ग के निचली सीमा में। बेटा जैसे ध्यान रखो, ये है पहला वर्ग, ये है दूसरा वर्ग, तो इसका ये L1 निचली सीमा है, ये L2 इसकी ऊपरी सीमा है, ये दूसरे वर्ग की L1 निचली सीमा है, ये इसका L2 ऊपरी सीमा है। तो 10 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, ये 10 इसकी भी ऊपरी सीमा है लेकिन इसकी निचली सीमा है, तो 10 कंफ्यूज हो जाएगा, जाएगा तो कहां जाएगा वो,
ठीक है बेटा। तो इसको शामिल किसमें करते हैं हम, अपवर्जी, मतलब ये ऊपर वाले में जाएगा। ये 10 जो है वो 9 जीरो वाले के साथ क्यों रहे, ये बोलेगा कि मेरे को 11 से 20 वाले में शामिल करो। 10 किसको सम्मिलित करेगा, किसके में बीच घुसेगा, ये ऊपर वाले वर्ग में घुसेगा। ठीक है बेटा, अब इसको जरा टेबल से समझते हैं। अब टेबल मैं बना रहा हूं, यहां पे मैंने बना दिया मार्क्स का कॉलम के नंबर बच्चों के, 0 से 10 का मैंने वर्ग बना दिया, 10 से 20 का बना दिया, 20 से 30 का बना दिया, 30 से 40 का बना दिया और 40 से 50 का बना दिया। ठीक है बेटा, और यहां पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्तियां, कितने बच्चे पूरे प्लस वन में, इंग्लिश की, इंग्लिश वाले मैम ने लिस्ट दी 65 बच्चों की, उसमें क्या 0 से 10 के बीच उनके पास थे 11 बच्चे, और 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे थे 15 बच्चे, 20 से 30 के बीच में 20 बच्चे थे, 30 से 40 के बीच में 19 बच्चे थे, उसके बाद कितने बच गए, अब मान लेते हैं 40 से 50 के बीच में 5 बच्चे हैं। तो ये टोटल, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कितने, मान लेते हैं 65 बच्चे थे टोटल। तो 65 बच्चों का ये है। अब इसमें ये सीरीज कौन सी है, ध्यान से देखेंगे, ये है सीरीज है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का अर्थ है ये इसकी बच्चों क्या है, L2 ऊपरी सीमा और ये है इसकी L1 निचली सीमा। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसका L1 है ये, लेकिन इसका L2 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 30 है तो इसमें भी 30 है, इसमें भी 40 है तो इसमें भी 40 है। तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है जो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा है वही दूसरे वर्ग की निचली सीमा है। तो इसमें बच्चों असम्मिलित क्यों इसको बोलते हैं, कि ये इसको शामिल नहीं करता अपने आप में, इसको ऊपरी सीमा वाले शब्द को, पहले वाले में 10 शामिल नहीं है, 10 आ गया इसमें, इसके निचली सीमा में घुस गया वो, और इसमें 20 शामिल नहीं है वो इसमें आ गया, इसमें अब 30 शामिल नहीं है वो इसमें आ गया इसके निचली सीमा में, इसमें 40 शामिल नहीं है इसमें, इसमें आ गया। अर्थात अपवर्जी का अर्थ है ये जो 11 बच्चे हैं ना बच्चे 0 से 10 वाले, इसका मतलब है 10 नंबर जिस बच्चे के होंगे ना वो इसमें नहीं है, वो 10 नंबर वाला बच्चा कौन से वर्ग में है, इसमें 15 में आ गया वो 10 से 20, और जिस बच्चे के 20 नंबर है वो इस 20 वाले में शामिल नहीं है 10 से 20, वो किसमें है 20 से 30 वाले। ठीक है बेटा, और जिसके 30 नंबर है वो 30 से 40 वाले में शामिल है, ना के 20 से 30 वाले। कुसुम बताएगी जिस बच्चे के 40 नंबर होंगे, जिस बच्चे के यहां पे 40 नंबर है वो बच्चा 30 से 40 वाले वर्ग में जाएगा कि 40 से 50 वाले में जाएगा। कुसुम बोलेगी सर 40 से 50। गुड, वो क्यों जाएगा 40 से 50 वाले में, क्योंकि ये अपवर्जी श्रृंखला है, ये ऊपर वाले में जाते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के 40 आए होंगे ना वो 30 वाले के साथ क्यों रहना चाहेगा, वो बोलेगा मेरे को ऊपर वाले में रखो। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो यहां पे जिस बच्चे के 10 नंबर है वो क्या चाहेगा, जीरो वाले के साथ रहना चाहेगा, वो किसकी संगति चाहेगा कि मेरे को 10 से 20 वाले के बीच शामिल करो, और जिसके 20 होंगे वो फिर किस में चाहेगा, वो 10 वाले के साथ थोड़ी रहना चाहेगा, वो बोलेगा कि मेरे को 20 वाले इसके साथ ना रख के 20 से 30 वाले वर्ग में डालो। तो इसीलिए इस वर्ग को क्या बोलते हैं, अपवर्जी। समझ में आ गया श्रुति? यस सर। ओके ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं दूसरी विधि। पहली समझ में आ गई सबको, चलू मैं आगे? यस सर। दूसरी है बच्चों, इससे भी और आसान। दूसरी कौन सी है, समावेशी या सम्मिलित। अब इसके नाम से पता चल रहा है इंक्लूसिव, मतलब इसी में इंक्लूड होगी। समावेशी का मतलब इसका समावेश इसी में है, सम्मिलित का मतलब इसी में सम्मिलित है। तो ये पहले तो किताबी परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स ऑल आइटम अप टू इट्स अपर लिमिट, मतलब जो इसकी रेंज में आ गया ना, इसके लपेटे में, वो सब इसी का है फिर, वो सब इसी में शामिल होगा। मतलब जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होगी, उस क्लास में, उस वर्ग में जो भी आ गया, फिर वो L1 है चाहे L2 है, वो इसी में शामिल है, वो इसी का होगा, वो बाहर नहीं जाने देगा ये। मान लेते हैं हमने मार्क्स का कॉलम एक ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, हमने आवृत्तियां ले ली, यही वर्ग हमने क्या ले लिया, 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और आपका 50 से 59, 60 से 69। अब इसमें
इंग्लिश वाले मैम ने नंबर दिए 5, 8, 12, कितने बच्चों के उस तरह से है हमारे पास 15, 6, 20, 11 और 2। ये टोटल जो बच्चे प्लस वन में थे, मान लेते 65 थे, तो 65 बच्चों के नंबर इस तरह से आए। इसमें सम्मिलित इसको क्यों बोलते हैं या इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं कि इसमें दोनों L1 क्या है निचली सीमा, L2 क्या है ऊपरी सीमा, तो 1 BC में है, 9 BC में, क्योंकि ये वर्ग इतना है। इंक्लूसिव का मतलब है 1 BC में इंक्लूड, 9 BC में इंक्लूड, 10 BC में इंक्लूड, 19 BC में इंक्लूड। ये आगे पीछे किसी दूसरे को देते नहीं है। और ये वाला वर्ग क्या कर रहा था, अगले वर्ग की जो पहले वर्ग की जो अपर लिमिट थी उसको ये अगले वर्ग में भेज रहा था, उसमें शामिल नहीं कर रहा था। जबकि ये इंक्लूसिव क्या है, उसी में इंक्लूड कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है, समावेश कर रहा है। इसीलिए ये 20 से 29 में 20 भी शामिल है, 29 भी है। इसका L1 BC में, L2 BC में, इसका भी 40 BC में, 49 BC में, L1 भी L2 भी। हर वर्ग में वही चीज शामिल होगी। 50 से 59 के नंबर, 50 से 59 के बीच नंबर आए 11 बच्चों के, तो ये 11 के 11 बच्चे ऐसे हैं, या तो 50 नंबर है या 59 है या 57, 58, इसी के बीच है। इसमें डबल नहीं है कि 59 इधर भी इधर भी। इसका मतलब क्या, इसमें पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है दूसरे वर्ग के निचली सीमा से वो भिन्न होती है, डिफरेंट। जबकि बच्चों अपवर्जी श्रृंखला या असम्मिलित श्रृंखला में पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वही दूसरे वर्ग की या अगले वर्ग की निचली सीमा भी होती है, इसीलिए इसको असम्मिलित बोलते हैं, क्योंकि इसमें शामिल फिर वर्ग उसमें नहीं होता, अगले वर्ग में वो L2 उसमें जाता है। अब बताओ किस बच्चों को ये समझ नहीं आया, राहुल को समझ में आया? यस सर। गौरव? यस सर। ओके बेटा, अब देखो ये बहुत ही आसान था, इसमें इतना कुछ करने का था ही नहीं। ये है एक्स अपर लिमिट, L2 इसमें शामिल नहीं होगा, दूसरे में शामिल होगा। ये था इंक्लूसिव, इसमें L1 BC में शामिल होगा, L2 BC में शामिल होगा, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ झगड़ा खत्म। लेकिन यहाँ एक झगड़ा ये और पैदा करता है, जो इंक्लूसिव सीरीज है समावेशी श्रृंखला, इसमें एक दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत है, जिस बच्चे के 9.5 नंबर होंगे वो कहाँ शामिल होगा? श्रुति मुझे बता बेटा, अगर 9.5 नंबर आए वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, पहले वर्ग में के दूसरे वर्ग में, बताओ मुझे। सर फर्स्ट बोलता है पीयूष, कहाँ जाएगा बेटा 9.5 नंबर लेने वाला बच्चा, पहले वर्ग में डालू इसको के दूसरे में? ये 9.5 नंबर आए किसके, कुसुम के, 10 में से 9.5 नंबर आ गए इस बच्ची के, तो ये बच्ची इन 5 में शामिल है कि इन 8 में शामिल है, मुझे बताओ। 5 में कुसुम है कि 8 में कुसुम है, बताओ। सर 5 में, 5 बच्चों में शामिल है, ठीक है। अच्छा कुसुम तू खुद बता, ये ठीक बोल रहे हैं तेरे को, ये बोल रहे हैं कि 1 से 9 वालों के बीच रखा तेरे को, जबकि तेरे 9.5 नंबर आए थे। कुसुम खुद है तू क्लास में? सर। तेरे बेटा 9.5 नंबर आया, तू 1 नंबर वाले के साथ रहना चाहेगी कि आगे 10 और 19 के बीच जाना चाहेगी? चलो श्रुति तू बता बेटा, अगर तेरे 9.5 नंबर आए तो तेरे को मैं इस वर्ग में रखूंगा कि इस वर्ग में रखूंगा, तू 5 में शामिल है कि 8 में शामिल? सर सेकंड 10 टू 19, ठीक है। अब देखो बेटा टेक्निकली तू सही आऊंगा अभी मैं कन्वर्सी में, लेकिन ये एक तरह से आप देखो इसका तो 10 से 19 है ना, ये तो 10 वाले क्यों लेंगे तेरे को अपने साथ, क्योंकि तेरे तो 9.5 नंबर है, ये तो वर्ग ही 10 से शुरू हो रहा है, ये क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों मानेंगे तेरे को अपने साथ, क्योंकि ये तो 10 का नंबर है, ग्रुप है। अब यहां पे बच्चों का क्या होता है, ये इस विधि की कमी है, तो क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं फिर उसके बाद, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। यदि हमारे पास ऐसा झगड़ा पड़ जाए, ऐसा विवाद पैदा हो जाए, अपर लिमिट से अपर हो जाए वो, लोअर लिमिट से लो रह जाए, मतलब 9.5 नंबर आ गए तो ये अपर लिमिट से अपर हो गया, लोअर लिमिट से लोअर हो गया, तो ये तो 9.5 तो बीच में रह गया। ऐसा तो है नहीं कि ये 9.5 नंबर लेने वाला कोई अपराध हो गया इसका, इसको कहीं शामिल ही ना करो, कर सकते ना। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, ये जो सीरीज हमारी है कौन सी, इंक्लूसिव सीरीज, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चों, एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि
ये अगर हमारा पॉइंट वाला झगड़ा पैदा हो जाए तो वो सॉल्व हो जाए, तो इस झगड़े को खत्म करते कैसे, इस सीरीज को इससे खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या करना है हमने, दो तीन स्टेप है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल है। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, हम करने वाले क्या है, सम्मिलित श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना। पहला काम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, इसको कन्वर्ट, पहला काम सबसे पहले क्या कर, तीन ही काम इसमें करने हैं, डिफरेंस बिटवीन L2 ऑफ फर्स्ट क्लास एंड L1 ऑफ सेकंड क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। मतलब क्या क्या था यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड फिर से बना रहा हूँ, मान लेते हैं मार्क्स है हमारे ये फ्रीक्वेंसी एक से नौ और से फिर बी से हुआ, अब बदल रहे हैं क्योंकि झगड़ा पैदा हो गया है 9.5 वाले नंबर के बच्चों पे जिन्होंने 9.5 नंबर है, तो इस झगड़े को कन्वर्ट करने के लिए पहला डिफरेंस बिटवीन एल टू और फर्स्ट क्लास, ये हमारे से पहला वाला, इसका L2 है 9, फिर क्या करना है एंड L1 ऑफ नेक्स्ट क्लास, ये है L1 किसका नेक्स्ट क्लास, दूसरी ये है L2 फर्स्ट क्लास का, इन दोनों का अंतर लेना। अंतर कैसे, 10 माइनस 9 कितना अंतर हुआ, ये 1 का पहले ले लिए, दूसरा क्या करना फिर हाफ दैट डिफरेंस, उस अंतर को आधा करना 1/2, कितना हुआ ये बराबर है 0.5, पहले करा डिफरेंस बिटवीन L2 और फर्स्ट क्लास, मतलब अगले वर्ग की निचली सीमा जो कि है 10, तो 10 माइनस 9 इन दोनों का अंतर है 1, फिर क्या किया हाफ दैट डिफरेंस, उस अंतर को किया हमने आधा 1/2 बराबर है 0.5, ये अंतर आया 0.5 क्या, डिफरेंस बिटवीन L2 ऑफ फर्स्ट क्लास एंड L1 ऑफ प्रीवियस या नेक्स्ट क्लास। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर है 1, उसको आधा किया 0.5। अब करना क्या, तीसरे में सबसे आसान काम है, करना क्या, एट दैट हाफ डिफरेंस इन L2 एंड एवरी क्लास एंड सब्सट्रैक्ट दैट हाफ डिफरेंस इन L1 ऑफ एवरी क्लास। देखो बच्चों, अंतर आया 0.5 का, इसको करना क्या, हर एक L2 में जोड़ना एड, ठीक है, जैसे हमारा मार्क्स था ना, ये 1 से 9 था, ये 10 से 19 था, इसमें L2 में प्लस करना 0.5 और L1 में माइनस करना 0.5, जो इसका L1 है सबसे पॉइंट माइनस करना, इसको मैं यहां बनाता हूं, ये थोड़ा सा जगह कम होगी, ये थी मार्क्स की 1 से 9 10 से 19, ठीक है बेटा, और 20 से 29, हम कर क्या रहे हैं, इसमें से करना इस अंतर को माइनस, माइनस करेंगे 0.5 इससे और इसमें प्लस करेंगे 0.5, इससे माइनस किया 0.5, एक मिनट छोड़ो बच्चों, मैं आपको इसको यहां समझा देता हूं अच्छे से, ये है हमारी सीरीज मार्क्स, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा था 1 से 9, 10 से 19 और 29, 30 से 39, ऐसी सीरीज थी। अब हुआ क्या, डिफरेंस कितना आया था 0.5, 0.5 था ना बच्चों डिफरेंस दोनों का, yes, sir. Yes, sir. हमने इतना सर ले, जो ये L1 है सबके, सबके जो L1 है इस, और ये जो सबके L2 है इसमें प्लस करेंगे ये 0.5 जो आया है, इसको L1 से माइनस करना, माइनस L1 और प्लस करना L2 में, और झगड़ा खत्म हो जाएगा। हमने क्या किया, माइनस किया 0.5, इसमें प्लस किया 0.5, माइनस किया 0.5 प्लस किया 0.5, माइनस किया 0.5 प्लस किया 0.5, माइनस किया 0.5 प्लस किया 0.5, तो ये सीरीज क्या हो, 0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5 और 29.5 से 39.5। तो अब इसमें झगड़ा खत्म हुआ, फ्रीक्वेंसी मार्क्स, अब जिस बच्चे के झगड़ा कहां से शुरू हुआ था, कुसुम को के आए थे, कुसुम के 9.5 नंबर आए थे, वहां से झगड़ा शुरू हुआ। अब मुझे बताओ,
पांच बच्चे थे इसमें, इस ग्रुप में थे आठ। अब बताओ कुसुम कौन से इसमें शामिल, अब बताओ मुझे। सर आठ वाले में, आठ वाले में। अब झगड़ा खत्म हुआ ना ये, क्योंकि अब ये किसमें बन गई, ये बन गई एक्सक्लूसिव सीरीज, इसमें अब यहां नहीं रहेगी, ये जाएगी इस वर्ग में, ठीक है। जिसके 1950 होंगे वो इसमें आ जाएगा। मतलब क्या, जरूरी नहीं है बेटा ये 0.5 का डिफरेंस हो, ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमने मार्क्स थे, सीरीज हो सकती है आपकी 2 से 8, 10 से 18, 20 से 28, तो इसका मतलब है इन दोनों का अंतर कैसे निकाल, ठीक है। अंतर क्या करेंगे फिर, L2 जो क्या है, क्या करना है इन दोनों में, इन दोनों में अंतर निकालना है, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या निकलेगा, इसका 10 माइनस 8, इसका 10, इसका 8, तो कितना अंतर आया 2, इसको 2 को किया भाग 2 से, ये आया बराबर। ये क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे और इन सब में प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1 से ये आगे सीरीज की क्या हो जाएगी, 1 से 9, क्योंकि इसमें एक ऐड हो गया, एक माइनस हो गया, ये 10 के बजाय ये रह जाएगा 9, ये 18 के बजाय ये हो जाएगा 19, 9 से 19 हो गई सीरीज, फिर 29 हो गई सीरीज, ठीक है बेटा। आप बताओ ये समझ में आया कि आपको, कि कैसे हम समावेशी श्रृंखला को अपवर्ती श्रृंखला में बदलते हैं। विशाल यस सर। ओके बेटा ठीक है, चलो अभी दूंगा, चिंता ना करो। अभी है बेटा, एक बार और समझा दो, थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके बेटा कोई बात नहीं, अभी लीजिए, ठीक है मैं अभी समझा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन का, ये थी हमारी सीरीज, जैसे बेटा ये मार्क्स है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, सीरीज थी हमारी, हमने मान लिया चलो 2 से 8, 10 से 18, 20 से 28, 30 से 38, ठीक है, और 40 से 48, ये इंग्लिश वाले मैम ने नंबर दिए 5, 8, 12, 10, 6, ठीक है। अब ये बच्चों सीरीज कौन सी है, समझ में आ रहा है पहले, अभी सीरीज कौन सी है, ये समावेशी श्रृंखला, ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, श्रृंखला कौन सी है ये, समावेशी। तो क्योंकि जिस बच्चे के 9 नंबर आएंगे वो कहां जाएगा, जिस बच्चे के 19 होंगे वो कहां जाए, जिसके 29 है वो कहां जाए, जिसके 9.5 है 8.5 है, इसीलिए क्या करते हैं हम इस सीरीज को कन्वर्जन, कन्वर्ट करते हैं, किसमें करते हैं, अब ये समावेशी है इसको करते हैं अपवर्जी में कन्वर्ट। तो इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने आपको 3 बातें बताई थी, पहला क्या, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस किसमें, दूसरा जो हमारा वर्ग है 10 से 18, इसका L1 क्या है, बराबर है 10, ठीक है बेटा, और पहला वर्ग क्या है ये, इसका L2 क्या है 8, तो 10 माइनस 8 कितना हुआ, बराबर है 2, ये 2 निकला हमारा अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है, ये दो दो अंतर है, आपस में कितना अंतर है इन दोनों का, 30 माइनस 28 भी 2 होगा, 20 माइनस 18 भी 2 होगा, 10 माइनस 8 भी 2 हुआ। बेटा समझ में आया ये, जिसने क्वेश्चन किया था, किसने, पहला काम समझ में आया बेटा। अब अंतर निकालने के बाद पहला काम हमारा पूरा हुआ, दूसरा काम क्या करना, इस अंतर को 2 से भाग करना, 2/2, 2 अंतर आया ना, तो इसको डिवाइड करना हमेशा 2 से, ये अंतर जितना मर्जी आए, 1 आए 20 आए 2 आए जो मर्जी आए, तो क्योंकि अंतर ये अभी 2 आया है तो 2 से भाग किया, 2/2 मतलब 1। अब ये 1 आ गया, समझ में आ गया ये विशाल बेटा, जिसने क्वेश्चन किया था बच्चे ने, यस सर। ये 1 कैसे आया, ये इन दोनों का अंतर है और इसको हमने 2 से भाग किया तो ये 1 आया। अब बच्चों करना क्या, अब अंतिम काम है कि ये जो 1 अंतर निकला है ना इन दोनों का, इसको हर वर्ग की निचली सीमा से घटाना, ये माइनस करेंगे L1 से, और इसी को हर ऊपरी सीमा में जोड़ना, प्लस करना L2 में। मतलब क्या, 2 माइनस 1 8 प्लस 1, 10 माइनस 1 18 प्लस 1, 20 माइनस 1 28 प्लस 1, 30 माइनस 1 38 प्लस 1, 40 माइनस 1 48 प्लस 1, ये 1 हमने इधर जोड़ दिया और इधर वाली साइड घटा दिया। तो ये सीरीज कैसे बन गई, अब हमारे पास 2 से 1 घटाया तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1 1, 8 प्लस 1 9, 10 माइनस 1 9,
18 प्लस 1 19, ठीक है बेटा, 20 माइनस 1 19, 28 प्लस 1 29, 30 माइनस 1 29, 38 प्लस 1 39, ठीक है बेटा, 40 माइनस 1 39 और 48 प्लस 1 49। अब ये सीरीज किस में बदल गई बेटा, ठीक है, ये सीरीज किस में बन गई, अब 1 से 9, 9 से 19, 19 से 29, 29 से 39, 39 से 49, और ये फ्रीक्वेंसी मैंने यहां थोड़ा गलत लिख गया, ये फ्रीक्वेंसी यहां लिख लेंगे, इसकी जितनी भी है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी जितनी भी थी 5, 8, 12, 10, 6। अब ये सीरीज किस में बदल गई, अपवर्ती श्रृंखला में, अपवर्ती श्रृंखला 1 से 9, 9 से 19, जो इसका L2 है वही इसका L1 है, जो इसका L2 है वही इसका L1 है, जिस बच्चे के 9 हो तो इसमें शामिल हो जाएगा, 9.5 होंगे तो भी इधर शामिल होगा, 8.5 तो भी इधर, तो इसका मतलब क्या बच्चों, जिस बच्चे के जो भी अंक होंगे वो कहीं ना कहीं शामिल हो जाएगा। अब मुझे बता बेटा, समझ में आया जिसने पूछा था? यस सर। अब किसी बच्चे को और कोई डाउट है कि कैसे कन्वर्ट करना है इसको? नो सर। नो सर। नो सर। ओके बेटा, अब बच्चों लास्ट लास्ट क्या इसमें समझेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में अंतर, ये अंतर बहुत ही सरल है, एक तरफ हमने लिख दिया एक्सक्लूसिव सीरीज, एक तरफ इंक्लूसिव सीरीज, एक तरफ हमने लिख दिया, दूसरी तरफ समावेशी श्रृंखला। तो पहला अंतर तो क्या कि अपवर्ती श्रृंखला में पहले वर्ग की ऊपरी सीमा वही अगले वर्ग की निचली सीमा होती है, मतलब इसका L2 पहले वर्ग का तो L1 दूसरे वर्ग का बराबर होता है, मतलब 0 से 10 तो 10 से 20, तो वो जो 10 है वो दोनों में कॉमन होता है, जबकि इसमें अलग होता है, जबकि समावेशी श्रृंखला में पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है वो दूसरे वर्ग के निचली सीमा से भिन्न होती है, कॉमन नहीं होती, जबकि यहाँ कॉमन होती है। तो पहला अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। दूसरा क्या लिखेंगे हम, एल टू नॉट इंक्लूड, इसमें ऑल इंक्लूड, मतलब बेटा दूसरा अंतर क्या है कि एक्सक्लूसिव सीरीज जो है, मतलब अपवर्ती श्रृंखला में हर वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उस वर्ग में शामिल नहीं होता, नॉट इंक्लूड उसमें नहीं इंक्लूड करते, किसमें इंक्लूड होता है, वो अगले वर्ग की निचली सीमा में, जबकि समावेशी श्रृंखला में चाहे निचली सीमा वाला L1 हो चाहे ऊपरी सीमा वाला L2 हो उसी में शामिल होते हैं दोनों, उसी में इंक्लूड होते हैं, तो इसमें सारा इंक्लूड होता है ऑल इंक्लूड, और इसमें L2 इंक्लूड नहीं होता। दूसरा अंतर समझ में आया? यस सर। यस सर। थर्ड और भी आसान है, तीसरा क्या है, इंक्लूड ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स, वी इंक्लूड ऑल नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल्स, ठीक है, ऑल नंबर्स, मतलब जैसे 9.5 आए ना तो वो भी इसी में शामिल होगा, जबकि इंक्लूसिव सीरीज में हम सारे इंक्लूड नहीं कर सकते, 0.5 आ गया अपर लिमिट का तो उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये 1 से 9 वाला वर्ग है, अगला 10 से 19 वाला है, तो 9.5 वाला 0.5 वाला कहां जाएगा, वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा, या जिसके आधा ही नंबर आया 0.5 वो कहां जाएगा, क्योंकि ये वर्ग तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 से 9 वाला वर्ग है, इसीलिए इसमें तीसरा अंतर क्या, किसमें 0.5 अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट वाला कई बार हो जाता है वो इसमें शामिल नहीं होता, जबकि अपवर्ती श्रृंखला में सारे शामिल हो जाते हैं, वो चाहे डेसिमल नंबर है चाहे वो कुछ और नंबर है सारे, ठीक है बेटा। चौथा नीड, चौथा क्या है कि वी डोंट नीड कन्वर्जन, हम इसको सारा इसमें इंक्लूड करते हैं, जबकि इंक्लूसिव में वी नीड टू कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, इन एक्सक्लूसिव सीरीज वी कैन इंक्लूड ऑल नंबर्स इन दिस सीरीज ओनली, इसी में शामिल करते हैं, हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है इसमें किसी और सीरीज में जाने के लिए नहीं, जबकि समावेशी श्रंग हमें कई बार ऐसे डिजिट आ जाते हैं अपर लिमिट का 0.5, लोअर लिमिट से कम 0.5 या पॉइंट में वैल्यू जो उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हम, तो हमें उस श्रृंखला को कन्वर्ट करना पड़ता है अपवर्ती श्रृंखला में। तो चौथा अंतर ये है इसमें, ये कन्वर्जन मांगता है, इसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है, जबकि इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये सबको आपस में समा लेता, कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेता है। तो बच्चों ये थे हमारा दोनों में परस्पर अंतर, अब बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, आप अगर टाइम है तो तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन दूं करने को, क्या टाइम हुआ? सर हमारी क्लास शुरू हो गई है, फिजिकल एजुकेशन की। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके बेटा, टेक केयर, तो अच्छा गुरु जी को दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।